एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, अब देश को बदनाम करने की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे आगे रहते और प्रदेश को बदनाम करने वालों की कमलनाथ अगुवाई करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, देश को बदनाम करने में हमेशा ही राहुल गांधी सबसे आगे रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को बदनाम करने में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बढ़ चढ़कर अगुवाई करते रहे हैं। मिश्रा ने कहा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं कमलनाथ जी, आप तो विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं, कलेक्टर से जानकारी ले ली होती, गिद्ध दृष्टि से आपको तो पन्ना की घटना को लेकर मृत्यु पर राजनीति करना शोभा नहीं देता है। आज वैश्विक महामारी के दौर में भी आप भी और बाकी कांग्रेसी भी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस के विदिशा विधायक ने वीडियो डालकर भ्रम फैलाया, एक विधायक ने अस्पताल में डॉक्टर को धमकाया, जबलपुर में एक विधायक ने पुलिस को धमकाया, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आप अच्छे सुझाव दीजिए, हम मानेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी कोरोना में है और नेगेटिविटी कांग्रेस में। ऐसी परंपरा थी, दोनों के नाम थे, पते थे। कमलनाथ जी, आप भी मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद रखते हैं, संवैधानिक पद है आप पे। आप प्रदेश को बदनाम करने के पहले जानकारी ले लेते कलेक्टर से कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस तरह से आग गड़ाए बैठे थे गिद्ध की तरह, ये अच्छा नहीं है आपकी पार्टी जो कर रही है। एक विधायक ने विदिशा में फर्जी वीडियो डाल दिया कांग्रेस सर शासित किसी प्रदेश का और कह दिया मध्य प्रदेश के विदिशा का है। एक विधायक चला तो अस्पताल में डॉक्टर को धमका रहा है, एक विधायक चला तो जबलपुर में पुलिस के कांस्टेबल को धमका रहा है। ये क्या है, ये कौन सी संस्कृति है कांग्रेस की इस आपदा के काल में, कौन सी संस्कृति है कांग्रेस की इस विपत्ति के काल में। अरे कहीं तो इतने बड़े उद्योगपति थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, किसी गरीब को रोटी खिलाते दिख जाते। कहीं तो एक आध कोविड सेंटर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया होता। राजीव गांधी फाउंडेशन से लेके आप जैसे उद्योगपति हो, क्या एक भी नहीं खोल पा रहे हैं? अरे दामाद जी से ही कह देते, वो ही खुलवा देते। कहीं बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के अंदर, देश कभी माफ नहीं करेगा इस कांग्रेस पार्टी। हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए आपकी नजरें कहां तक जा रही हैं ये भी देख रहे हैं प्रदेश। आप अच्छे सुझाव दीजिए ना, आइए ना, मान लो हमसे गलती, हम कब कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं होगी, होगी, जो चलेगा वो गिरेगा भी। आप तो चल ही नहीं रहे, बिस्तर पर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। आप हमें अच्छे सुझाव दो, हम मानेंगे सर झुका के। दो लोग ऐसे हैं देश के अपमान में अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की है तो वो राहुल गांधी हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश में कमलनाथ जी हैं। पन्ना की दो लाश जो नदी के अंदर पाई गई, उनका मैंने कल ट्वीट देखा, किस तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम करने में पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगे, मेरी समझ से परे। वो दोनों मृतक, एक की उम्र 75 साल थी, 90 वर्ष थी, एक कैंसर की बीमारी से था। मिश्रा ने बताया, ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक जागरूकता आई है, गांव के बाहर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, गांव के लोग दूसरे लोगों को गांव के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, अभी भी गांव में संक्रमण की दर 6% तक ही है, इसीलिए यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि गांव में संक्रमण की दर अधिक है, शहरों में संक्रमण की दर अभी 13% है। अभी भी गाँव के अंदर कोरोना की संक्रमण दर 6% है और शहरों में 13% है, इसलिए ये भ्रम भी न फैले कि गांव में तेजी से फैला है। गांव के लोग अत्यधिक जागरूक हुए हैं और जो सीएम मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी थी उसको पालन कर रहे हैं।
बाहर क्वारंटाइन सेंटर भी बना रहे हैं, बाहर के आदमी को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ कुल 6 ही दर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।